करो, बंद करो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफिया परवीन और आप देख रहे हैं बिहार टीवी। निजी विद्यालयों को खोले जाने सहित चार सूत्री मांगों को लेकर भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के बैनर तले निजी विद्यालय के व्यवस्थापक, शिक्षक एवं शिक्षक केतर कर्मचारी चेहरे पर काला पट्टी लगाकर भूखे प्यासे रहकर काला दिवस के रूप में विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया। संघ के अध्यक्ष भारत मानस ने बताया कि हमारी चार सूत्री मांगों में सभी निजी विद्यालयों के क्षतिपूर्ति हेतु 2-2 लाख रुपए प्रदान करने, निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों को कम से कम कोरोना काल में प्रति कर्मचारी 25,000 प्रदान करने एवं कोरोना से बचाव हेतु मार्गदर्शन देते हुए निजी विद्यालयों को यथाशीघ्र खुलवाने का है। उन्होंने सभी निजी विद्यालयों के संचालक, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का आह्वान किया है कि अपने हक की लड़ाई के लिए पूरी शक्ति के साथ संघर्ष करें एवं समाज, राज्य व देश को शिक्षित व समृद्ध बनाने में अपने महत्व को धूमिल होने से बचाएं। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो शिक्षक दिवस को हम लोग बच्चों और शिक्षकों के साथ धूमधाम से मनाया करते थे, आज एक तो लॉकडाउन और दूसरे कुछ सरकार के निष्क्रियता के कारण आज हम लोगों को काला दिवस के रूप में मनाना पड़ रहा है। भूखे रह करके हम लोग का संघ, भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ, सदैव से ही अपने संघ के मुखिया भारत मानस की अगुवाई में शिक्षित भारत और समृद्ध भारत के लिए लड़ते आ रही है और ये लड़ाई हित में इसलिए देर हो रही है क्योंकि हम लोग शांतिपूर्वक कोई लड़ाई को लड़ते हैं। तो सरकार को अब कह देना हम चाहते हैं अपने संगठन के माध्यम से कि हम शिक्षकों को की उपेक्षा और आगे ना की जाए और हमारी जो जायज मांगे हैं उसकी स्वीकार करते हुए और जल्द से जल्द विद्यालय खोलने का निर्देश निर्गत किया जाए, अन्यथा हम लोग स्वतः विद्यालय खोलने के लिए मजबूर होंगे। आज हम लोग काला दिवस के रूप में शिक्षक दिवस को ही मना रहे हैं। यह शिक्षकों के सम्मान में हमारे तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस शिक्षकों के सम्मान में शुरू किया गया था, लेकिन आज लॉकडाउन के कारण से जो 14 मार्च से निजी विद्यालयों को बंद किया गया है, साथ में सरकारी विद्यालयों को भी बंद किया गया है, लेकिन निजी विद्यालय जो अभी तक बंद हुए हैं, किसी भी तरह का शुल्क का कहीं से कोई आगमन नहीं है, सरकार के द्वारा कोई हम लोग को सुविधा नहीं दिया गया, कोई हम लोग का समाधान नहीं किया गया है और सारे सेक्टर आज खुल गए हैं फिर भी निजी विद्यालयों को बंद रखा गया है। तो हमारी चार सूत्री मांगे हैं, जो 25% अलाभकारी समूह के बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं उसकी प्रतिपूर्ति राशि भी आज तक नहीं दी गई है, जो बकाया है उसे दे दिया जाए और सभी विद्यालय, चूंकि किराया हम लोग को देना पड़ा है, विद्युत बिल देना पड़ा है, अन्य खर्चे लगातार हुए हैं, इसलिए सभी निजी विद्यालयों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी को 25,000 रुपए कोरोना लॉकडाउन का क्षतिपूर्ति दिया जाए और अविलंब हम लोग को भी किसी खास तरह के प्रतिबंध के साथ ही संभव हो तो भी हम लोग के विद्यालयों को खोलने की अनुमति सरकार को देना चाहिए। यही ज्ञापन हम लोग जिला अधिकारी नालंदा के माध्यम से सौंपेंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से सौंपेंगे और पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार को हम लोग ये चार सूत्री मांग सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का कोई समाधान नहीं हुआ है। इसी प्रकार की आने वाली हर छोटी बड़ी ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।